अब रुक अगली खबर का कर लेते हैं। राजस्थान के कोटपूतली से बड़ी खबर है, यहाँ पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश की गई, लेकिन बवाल बढ़ता उससे पहले पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कोटपूतली में आपत्तिजनक वीडियो पर दरअसल हिंदू संगठन भड़क उठे। शेख सिकंदर नाम का एक युवक जिसने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट किया, वीडियो में हिंदू देवता का अपमान किया गया और वीडियो के खिलाफ हिंदू संगठनों ने बाजार बंद कराया। हिंदू संगठनों के विरोध के बाद पुलिस ने आरोपी शेख सिकंदर को गिरफ्तार कर लिया। साजिश के एंगल से भी मामले की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। हिंदू संगठनों और स्थानीय लोगों ने इससे कोटपूतली का माहौल बिगाड़ने की साजिश करार दिया और कहा कि आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। मैंने गलत पोस्ट डाली, ये भी बोल दे मैंने गलत पोस्ट डाली, कोई इशू नहीं कि यहाँ जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या जिनको बसाया गया है, जो यहाँ छद्म नामों से अपना व्यापार कर रहे हैं, इनकी ताकीद की जाए, इनकी जांच की जाए और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ये जो घटना घटी है सामान्य घटना नहीं है, इसके पीछे की मानसिकता समझने की बात है, इसके पीछे जिहाद की मानसिकता है, हिंदुओं के खिलाफ अपमानित करने की मानसिकता है, धार्मिक उन्माद फैलाने की मानसिकता है, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने की मानसिकता है, ये दंगा फैलाने की मानसिकता है। इस मानसिकता को कोटपूतली की धरती पर कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अब आपको कोटपूतली में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश की पूरी डिटेल जो है वो यहाँ पर बताते हैं। दरअसल शेख सिकंदर ने अपनी इंस्टाग्राम आईडी से इस आपत्तिजनक पोस्ट को वायरल किया जिसमें हिंदू देवताओं का अपमान किया गया, अपने मजहब का झंडा दिखाया। इस वीडियो में आपत्तिजनक भाषा का भी इस्तेमाल है। शेख सिकंदर ने अपनी इंस्टाग्राम आईडी पर यह आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट किया जिसमें हिंदू देवता का अपमान किया गया, आपत्तिजनक शब्दों का भी इस्तेमाल हुआ और वीडियो में मजहब विशेष का झंडा दिखाया गया। हिंदू संगठन उसके बाद भड़क गए। आरोपी शेख सिकंदर के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जांच जो है वो शुरू कर दी गई है। आपको बता दें शेख सिकंदर जो है वो बंगाल का रहने वाला बताया जा रहा है। और अब आप देखिए, जब आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट करने वाले आरोपी शेख सिकंदर की दुकान पर नाराज लोग पहुंचे तो कैसे माफी मांगने लगा, दोबारा ऐसे आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट न करने की कसमें वो खाने लगा। ये भी बोल दे मैंने गलत पोस्ट डाली, ये भी बोल दे मैंने गलत पोस्ट डाली, भविष्य में नहीं डाली। और कोटपूतली का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वाला आरोपी शेख सिकंदर फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस उससे पूछताछ तो कर ही रही है, साजिश के एंगल से भी मामले की जांच हो रही है। किसी व्यक्ति ने एक धर्म से संबंधित आधारित कोई आपत्तिजनक वीडियो वायरल किया है, जिस पर सूचना मिलते ही जो है पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों से जानकारी करने पर मालूम पड़ा है कि एक शेख सिकंदर नाम का व्यक्ति है जिसने यहाँ सोनी मार्केट में दुकान कर रखी है और उसने ये आपत्तिजनक वीडियो जो है धर्म से संबंधित है इसको वायरल किया है, जिस पर उक्त व्यक्ति को दस्तियाब कर लिया गया है।